अगर आप लोग के YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया है, 100 के सब्सक्राइबर हो गया है और आप लोग को करना है आप लोग का प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन का अप्लाई, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। इस वीडियो में मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग मोबाइल के जरिए आप लोग जो YouTube का प्ले बटन होता है उसे आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। पहले मैं बता देता हूं, आप लोग अगर 100 के सब्सक्राइबर हो गया है तो यहाँ पर यूट्यूब आपको अपने आप प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन नहीं भेजता, यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर करना पड़ता है। आप लोगों का जो सिल्वर प्ले बटन है उसे आप लोग ऑर्डर करना होता है। तो इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल के जरिए बहुत ही आसान तरीके से खुद बहुत ही कम समय में आप लोग कैसे उस अवार्ड को आप लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, मेरा जो मेल है वहां पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग का 1 लाख सब्सक्राइबर होने की 2-3 दिन बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग के मेल पर एक आप लोग को यूट्यूब की तरफ से एक मेल मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से एक मेल मिला है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, रिडीम यूअर यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड, यहाँ पर ऐसा करके कुछ आप लोग को मेल मिलेगा। तो यहाँ पर मेल पर आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस मिलेगा। नंबर 1 पर है गो टू रिडिम्पशन साइट, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो नीचे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग एक साइट पर जाना है। तो उसके उसके लिए पहले आप लोग को 2 नंबर पर जो आप लोग का रिडिम्पशन कोड मिला है, यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया, यहाँ पर मैं हाइड कर रखा हूँ। तो ये वाला रिडीम कोड को आप लोग को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो 1 नंबर पर जो वेबसाइट है, जो आप लोग का रिडिम्पशन कोड का एक वेबसाइट आप लोग देखने में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद एक और नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एंटर रिडिम्पशन कोड, यहाँ पर जो भी आपने रिडीम कोड यहाँ पर कॉपी किया था, तो यहाँ पर आप लोग को वो रिडीम कोड यहाँ पर डाल देना है। और ये रिडीम कोड किसी को भी शेयर नहीं करना, क्योंकि आप लोग का ये रिडीम कोड अगर किसी ने ले लिया तो आप लोग का जो अवार्ड है वो कोई और ले जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिडीम कोड यहाँ पर मैंने डाल दिया, और रिडीम कोड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देने से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर यूआर चैनल नेम, आप लोग का जो चैनल नेम है यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है, या फिर आप लोग कोई भी नाम पर यहाँ पर आप लोग का जो प्ले बटन है उसे मंगवा सकते हो। आप लोग यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पर डाल सकते हो, मैं यहाँ पर मेरा चैनल का जो नाम है यहाँ पर मेरा चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया। और डालने के बाद यहाँ पर अप्रूव एंड चेकआउट पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर फिर से अप्रूव पर यहाँ पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आप लोगों को भी अप्रूव पर यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद एक और नया पेज यहाँ पर आप लोग खुल जाएगा। आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर लोडिंग लेगा और एक नया पेज यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2-3 ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर टाइप करना है। आप लोग यहाँ पर टाइप करना है ईमेल आईडी एड्रेस, आप लोग का जो ईमेल आईडी है यहाँ पर टाइप करना है, और कन्फर्मेशन ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर देना है। और यहाँ पर टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, आप लोग का कौन सा कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करते हो ये कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा, मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा जो इंडिया जो है। तो ये रहा इंडिया, मैंने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया। और इंडिया सिलेक्ट करने के बाद नीचे आऊंगा, यहाँ पर आप लोग स्क्रोल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद कुछ और यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर फर्स्ट आप लोग का जो नाम है, आप लोग खुद के नाम का, आपको आधार कार्ड जो आप लोगों के पास अगर आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, आधार कार्ड पर जो भी आप लोग का नेम है, जैसे आप लोग का नेम है यहाँ पर आप लोग वैसे ही टाइप करना है। मेरा फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, आप लोग भी यहाँ पर टाइप करना है। और कंपनी नेम में यहाँ पर आप लोग का चैनल का नाम आप लोग डाल सकते हो, या फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालूंगा। और उसके बाद आप लोग का जो एड्रेस है यहाँ पर फिलअप करना है, आप लोग का जो भी आधार कार्ड पर आप लोग का एड्रेस है यहाँ पर आप लोग सिंपली फिलअप करना है। तो हम यहाँ पर मैंने जो मेरा एड्रेस डाला यहाँ पर हाइड कर दिया। तो आप लोग भी सिंपली आप लोग का आधार कार्ड लेना है, और उसके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है आप लोग का वो एड्रेस यहाँ पर सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। और उसके बाद आई कन्फर्म पर आप लोग यहाँ पर टिक करना है और अप्रूव पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग का जो ऑर्डर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसी एड्रेस पर जो एड्रेस पर आप लोग का ऑर्डर आएगा यहाँ पर आप लोग को दिखने में आ जाएगा। और उसके बाद नीचे आप लोग का स्क्रॉल करके आना है, तो आप लोग नीचे आने के बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर भी आप लोग टिक करना है, और यहाँ पर आप लोग का जो लीगल नेम है, जो भी आधार कार्ड पर आप लोग का लिखा हुआ है उसी को आप लोग यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर कन्फर्म एंड प्लेस ऑर्डर पर आप लोग सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद तुरंत बाद ही आप लोग का जो ऑर्डर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर थैंक यू फॉर योर ऑर्डर करके एक आप लोग का पेज निकल कर आया है। तो यहाँ पर आप लोग
देख सकते हो मेरा ऑर्डर यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो ऐसे ही आप लोग भी आपका प्ले बटन यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके